ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे मंथ में यानी मई का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर इसके घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, संतान, सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, शत्रु और आप बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, आपके विवाह संबंध, आपके प्रेम संबंध, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यह फलादेश चंद्राशि पर है। चंद्राशि नहीं मालूम है तो वर्षित नाम से देख लीजिए और एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन अभी आपके मंगल आपके मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 10 मई को अपनी नीच कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मेष राशि में संचार करेंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचार करेंगे, शुक्र आपके वृष में रहेंगे लेकिन 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में ही आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के ऊपर मई का महीना यानी मंथ में 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले हेल्थ की दृष्टि से, यहाँ अभी आपके ऊपर 37.5 सैटर्न चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। शनि की पनौती से आप जूझ रहे हैं, शनि आपकी राशि लगन से दूसरे भाव में है, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि 10 तारीख को जब मंगल ट्रांजिट करेंगे अपनी नीच की राशि में तो सीधी आपके ही राशि आपके लगन पर जो उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी वह उच्च की पड़ेगी। इट मीन्स ये हुआ कि 10 तारीख के बाद आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और आप धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर जो भी आप कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो किसी क्रोध उत्तेजना से बचें, अपने विवेक से कार्य करें, धैर्य और संयमता का परिचय दें, थोड़े हेल्थ के प्रति थोड़े से सजग रहें, लेकिन 10 तारीख के बाद स्थिति आपकी काफ़ी अनुकूल बनेगी। परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर आप थोड़ा सा किसी क्रोध उत्तेजना से बचते हैं, अपनी वाणी, बोलचाल, लैंग्वेज ठीक रखते हैं तो स्थिति आपकी सामान्य भी बनी रहेगी। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस से भी वृद्धि हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्य को आप कर सकते हैं आप परिवार में, लेकिन कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो मौन रहें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, व्यर्थालाप, व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो आपकी बात थोड़ी परिवार के बीच में खराब भी हो सकती है और परिवार वालों के पीछे हुए पैसे का नुकसान भी आपको यहाँ पर हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ, बेनिफिट गेन करेंगे, नए कॉन्टैक्ट, नए संबंध बनेंगे, छोटे भाई बहन, मित्र और सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, वेलविशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। यहाँ अच्छी स्थिति है और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो भी नकारात्मक सोच आपके अंदर चल रही थी सकारात्मक सोच में आपके तब्दील होगी, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से देखिए मित्रों, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत लाभदायक स्थिति नहीं है। 10 तारीख तक तो आप भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आपको निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में चौथे घर में चार ग्रहों का एक जमावड़ा सा हो रहा है, यानी चार ग्रह एकत्रित हो रहे हैं जिसको चतुर्थ ग्रह योग भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपके कुंडली में गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है और सूर्य के साथ राहु ग्रहण दोष भी बन रहा है और सूर्य के साथ बुध यहाँ पर 15 दिन के लिए बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो यहां पर जो स्थिति आपकी बनेगी, यहां पर आपको ये जो बुधादित्य योग है इसमें बुध आपको थोड़े से शुभ फल देगा और सूर्य आपको बिल्कुल अच्छे फल नहीं देगा। तो जो अच्छा एक योग है बुधादित्य योग, इसका तो यहां पर फल आपको नगण्य रहेगा, शून्य के बराबर रहेगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और बुध आपके षष्ठेश भी है। हालांकि भाग्येश है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन गुरु वहाँ आपको अच्छे फल देंगे। सूर्य भी उच्च के हैं तो संभवतः थोड़े से शुभ फल दे सकते हैं, लेकिन अष्टमेश है इसलिए सूर्य के फल भी बहुत शुभ यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर
आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपकी बात खराब हो सकती है। यथासंभव हो सकता है तो फिलहाल के लिए टाल दें, लेकिन जरूरी बनता है किसी प्रॉपर्टी के डील करना, किसी घर में प्रवेश करना, वाहन घर में लेना, तो बहुत धैर्य और संयम रखते हुए सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे व्यर्थ लाभ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका दिल मत दुखाएं, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो माता जी की तरफ से कोई लॉस कोई नुकसान हो सकता है। घर में समय समय पर सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए और थोड़े उपाय कीजिए, आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता टेंशन कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है, 15 तारीख के बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 15 तारीख तक तो स्थिति तो आपके सामान्य रहेगी, आपके ठीक रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी यहाँ पर थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य जब वहाँ ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर आपको संतान की तरफ से कोई चिंता टेंशन संतुष्टि के भाव में कमी, कोई तो उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, उनके कोई विवाह शादी में, हेल्थ में, बिजनेस में, नौकरी में या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम, जिस वजह से आप भी थोड़े चिंतित रहें और कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। संतान के प्रति संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता के भाव में कमी, ये सारी चीज़ें प्रयास कर रहे हैं, डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई व्यवधान रुकावट है, लेकिन आप प्रयास जारी रखिए, अंततः आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी, आगे शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में बनेगी और नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन संघर्ष प्रयत्न थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो 10 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। 10 तारीख के बाद पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ इश्यूज़ यानी संतुष्टि के भाव में कमी, कोई चिंता टेंशन, व्यर्थ लाभ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट और एक दूसरे के प्रति थोड़ी चिंता परेशानी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं तो 10 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, संबंधों में कोई व्यवधान रुकावटें आ सकती हैं, विवाह शादी की तारीखें पोस्टपोन हो सकती हैं या संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में कोई धोखा चीटिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद बिल्कुल कोई डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। अचानक से चोट फेट एक्सीडेंट, कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, कोई अंडर पार्ट्स की तकलीफ, ये चीज़ें भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है, इसलिए थोड़ा परिश्रम, थोड़ा प्रयास, थोड़ा पुरुषार्थ करने की आपको आवश्यकता है। पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राओं में रुकावटें कोई व्यवधान कोई दिक्कतें आ रही थी वह दूर होंगी। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। कोई धार्मिक स्थान की यात्राएँ हो सकती हैं और आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। बहुत बड़ा बदलाव आप मत लाएं। बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आजीविका चलाने के लिए व्यापारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्थिति बीच बीच में जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपको रुकावटें 10 तारीख के बाद थोड़ी रुकावटें वहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, थोड़े व्यवधान उसमें आ सकते हैं, लेकिन अंततः स्थिति आपके अनुकूल भी बन जाएगी। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे अपने संबंध ठीक रहेगी, संबंध खराब मत होने दीजिए, नहीं तो उनसे भी कोई लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जो जातक विदेशों में उन्हें तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से संबंध है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई अन्य कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, विदेशों में आपका आना जाना लगा रहता है, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और कोर्ट कचहरी में मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार आप अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है इसका अपना महत्व है, क्योंकि यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, यह एक बात अलग है, लेकिन समझने योग्य बात यह है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का दर्पण है, मिरर है, आईना है और आपका आधारभूत है।
जब दोनों चीजें टैली होती हैं, दोनों चीजों का एनालिसिस होता है, यानी चंद्र राशि के ऊपर जो हम फलादेश कर रहे हैं ये भी, और आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली के ग्रह भी, जब दोनों चीजें टैली होती हैं तभी शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर मकर राशि वाले जातकों की साढ़े सती शटन होने के बावजूद अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः ग्रहों के दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे और यह माह आपके लिए लाभदायक तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा, चूंकि इस माह में आपको यहाँ पर देखिएगा साढ़े सती शनि यह भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको मंगल भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर सूर्य भी डिस्टर्ब कर रहा है और आपको राहु भी डिस्टर्ब कर रहा है, जब इतने ग्रह डिस्टर्ब करते हैं और ऊपर से आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं आपके प्रतिकूल है, तब संभवतः बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है और ग्रहों के बड़े दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और मकर राशि वालों के लिए बहुत जरूरी बनता है कुछ उपाय आप जरूर करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, लगातार करें, कंटिन्यूटी में करें, तभी आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर आप क्या करें, जब इतने क्रूर ग्रह एक साथ डिस्टर्ब करते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में आ जाएं और श्रद्धापूर्वक आप ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स नहीं करते 108 बार तो 27 बार ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए, श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ में आप एक संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार शनिवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद, लाल गुड़ से बने हुए मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं, लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और मंगल शनिवार शुद्ध सात्विक भोजन करें। शनिवार को सुबह प्रातःकाल या संध्या काल में आप पीपल ट्री पर पीपल के वृक्ष पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर खिलाएं और शनिवार को भी थोड़ा सा गुड़ से बना नैवेद्य आप अपने घर के ही मंदिर में चढ़ा दें शनि के नाम का और मंगल हनुमान जी की और शनि की आरती करें और रेगुलर आप हनुमान चालीसा संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें श्रद्धा और विश्वास के साथ और मंगल और शनिवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें। निश्चित मानिए श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप इस कार्य को कंटिन्यूटी में लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।